बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको डॉलर रेट और रियालिट से अपडेट करूंगा जी। मैं रोज़ आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। अच्छा, आज आपको एक लाइव प्रूफ भी दे देता हूं। मैं यहां पर अभी ये कैलकुलेट कर रहा था जो रेट लगा है, पहले आपको यही दिखा दूं, उसके बाद आपको फिर रेट जो आज एक्सचेंज रेट वगैरह जो भी है जी बैंकों के हिसाब से उससे अपडेट कर देता हूँ मैं आज का। आपके साथ बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं, वो भाई मुझे कमेंट करते हैं जो यानी कि आज मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आज अगर भेज कर आए हैं तो मुझे कमेंट में बता दें भाई आज इस बैंक में ये रेट लगा है, उससे मुझे भी फायदा होता है और आप भाइयों को देखने वालों को भी फायदा होता है जब आप कमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं या नीचे करते हैं लिख देते हैं यानी कि, तो दूसरों को फायदा होता है यानी कि कन्फर्म जो रेट आपको पता है यार हर घंटे पर रेट चेंज होता है। बहरहाल जो आज रेट सामने आया बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर आपको मैं एक पिक्चर दिखा रखा हूँ, ठीक है। पहले आप ये पिक्चर देख लें उसके बाद ही मैं आपको पूछ। अच्छा, ये भाई हैं जी सऊदी में बैठे हुए मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझको खर्चा वर्चा भेजा है, यही आप यही सोच लें। तो बहरहाल आप दी फिगर आप सबने लिखा हुआ है, पीकेआर पाकिस्तानी रुपया के हिसाब से बात करें तो 24,374 रुपये बनते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज रेट नीचे लिखा हुआ है और नीचे भाई जो लोकल अक्वाइंटमेंट लिखी हुई है यानी कि 483 रियाल, ठीक है। अभी 483 रियाल आए हैं 500 रियाल वापस, नीचे अभी मैं पढ़ तो सुना रहा हूँ आप देखते जाएं। फीस SAR 14.78 रुपये और वैट 15 रुपये टैक्स के हिसाब से वैट अमाउंट 2.22 रुपये, टोटल फीस प्लस वैट यानी प्लस टैक्स के साथ 17 रियाल भाई काटे गए हैं। 500 रियाल टोटल भेजा गया, 17 रियाल काटे गए और 17 रियाल काटने के बाद 483 रियाल मुझे सेंड किए गए हैं और जो रेट लगा है मैं इसको अभी कैलकुलेट करके देख रहा था वो आपको मैं बता देता हूँ। 50 रुपये 46 पैसे 50 रुपये 46 पैसे रेट हो चुका है, ये इंजाज बैंक का रेट है जो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको डॉलर रेट पहले बता दूँ, यहाँ पर डॉलर देख लें कितनी बड़ी छलांग है जी, यानी कि 192.53 रुपये से 194.18 रुपये, तकरीबन 2 रुपये के करीब ही बोल रहे हैं आप, एक ही दिन में बड़ा है। और अगर बात करें मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से रियाल के मुतल्लिक, पहले आप एक्सचेंज रेट देख लें, क्या 51.58 रुपये एक्सचेंज रेट हो चुका है, 51.58 रुपये, ठीक है जी। और इंडिया 20 एंड है बांग्लादेशी 23, और मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बताता चलूँ, बैंक अल जजीरा की बात करें तो 50.70 रुपये रेट है, 10 रियाल फीस है, लेकिन 17 रियाल भी काट लेते हैं जैसा कि आपको मैं जो लाइव प्रूफ पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ इंजाज बैंक के। उसके बाद STC पे एक चीज वीडियो के आखिर में क्लियर करूंगा, सुनते जाइएगा इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। 50.75 रुपये 17 रियाल 25 हलाले फीस, ये करेक्ट इन लोगों ने बताई है। राजीव बैंक की बात करें तो 50.70 रुपये रेट, 10 रियाल 17 रियाल 23 रियाल 33 रियाल, 4 किस्म की फीस काटी जाती है। मैं आपको बताता हूँ वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 50.90 रुपये 23 रियाल फीस के साथ, मनीग्राम की बात करें तो 50.96 रुपये सबसे हाई रेट मनीग्राम का, ये 50.90 रुपये यानी कि 51 बोल रहे हैं यार, 51 हो चुका है बैंकों में रेट, फीस 23 रियाल। ANB बैंक की बात करें तो 50.75 रुपये रेट हो चुका है 15 रियाल फीस के साथ, SNB बैंक की बात करें तो 50.45 रुपये 10 रियाल फीस के साथ। अभी मैं आपको इंजाज बैंक का रेट बता चुका हूँ, 50.46 रुपये आज का रेट लग चुका है इंजाज बैंक का। जो चीज क्लियर करना चाहता था वो ये है, भाई ने मैंने न्यू अकाउंट खुलवाया जी, पहली दफा इस अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो इसलिए उनके 17 रियाल कटे हैं। जब सेकंड टाइम वो पैसे भेजेंगे ना इसी अकाउंट में, किसी ATM से मुझे ट्रांसफर करते हैं या बैंक से भेज देते हैं तो उनके 10 रियाल लगेंगे, चाहे मोबाइल ऐप से ही क्यों ना भेज दें। आप भाई कोशिश करें बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तान में रहते हैं आपके अजीज़ो अकार उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजें, वहां पर आपकी 10 रियाल फीस कटेगी। फर्स्ट टाइम 17 रियाल हो सकता है, सेकंड टाइम 10 रियाल कटेगी। अगर आप किसी के नाम के ऊपर वगैरह भेज दें तो फिर 23 रियाल काटेंगे।